मथुरा में बस स्टैंड पर दंपति के बेहोश हालत में मिलने से अफरा तफरी मच गई। दरअसल दंपति बेहोशी हालत में सरकारी बस स्टैंड पर पड़े हुए थे। इसी दौरान स्टैंड पर कार्यरत कर्मचारी ने जब इनको बेहोशी की हालत में देखा तो उसने इसकी सूचना थाना गोवर्धन को दी। मौके पर पहुंचे पुलिस ने इन दंपति को बेहोशी की हालत में गोवर्धन के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने दंपति की हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद मथुरा के लिए रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि दंपति जहर खुरानी के शिकार हुए हैं। उनके साथ क्या घटना हुई ये जानकारी नहीं हो पाई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। ये सर ऐसा है कि ये मैं सुबह अपनी ड्यूटी पे 10 बजे आया हूँ। 10 से 6 बजे मैं ड्यूटी करता हूँ रोडवेज बस स्टैंड। मुझे ये होशो हवास में नहीं थे तब मैं वहाँ पे पहुँचा अपनी ड्यूटी पे। मैंने इनके चेहरे पे पानी डाला, जगाने की कोशिश की, भरपूर प्रयास किया। मैंने सोचा कि शायद अभी सांसें ले रहे हैं, हिल रहे हैं, डुल रहे हैं तो शायद होश में आ जाएं। लेकिन काफ़ी देर के बाद में जब ये लोग होश में नहीं आए तो मैंने इंचार्ज साहब को बोला, गोवर्धन बस स्टैंड इंचार्ज साहब के लिए। उसके बाद पुलिस को सूचना दी आपने? हाँ जी, मैंने उसके बाद एसओ गोवर्धन के लिए फोन किया जी। तब भी कोई आदमी नहीं आया थाने से। उसके बाद में हमारे इंचार्ज साहब स्वयं गए हैं थाना। कितनी देर में आई पुलिस? पुलिस करीब नहीं तो आधे घंटे पहुंचे। अभी दो कोई जहर खुरानी के मरीज आए जिनका नाम पता और एड्रेस कुछ नहीं पता है और वो बेहोशी की हालत में है। इनका प्राथमिक उपचार कर लिया है और जिला अस्पताल के लिए रेफर किया है।